इस खूबसूरत आइलैंड पर तुम सबका स्वागत है बच्चों, और मेरे विल्डरनेस कोर्स में भी। और आप सब में से जिनको घबराहट हो रही है, बस इतना जान ले कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और तुम लोग सुरक्षित हो। और इस बात पर चलो शुरू करें, मेरे साथ आओ। देखो और बच्चों, उड़ते नारियलों से सावधान रहना, वो खतरनाक है। वहाँ अपने टैंक सेट करो। मंसूर इंचार्ज तुम रहोगे। मुझे अपना तरबूज नीचे रख कर अपनी आंखें बंद करनी है। अब हम क्या करेंगे? हम अली सर के बिना तो इस टापू पर बचेंगे ही नहीं। हम सब तो मर ही जाएंगे, क्या करें? चलो भी बेवकूफ मत बनो, अली सर थोड़ा आराम कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो घबराओ मत। वैसे भी हमारे पास नानो है। नानो, इस पूरे एरिया का स्कैन करके पानी, खाना और रहने के मटेरियल्स ढूंढो। यहाँ से पास ही में उत्तरी पूर्व दिशा में ताजा पानी है, पर सबसे अच्छा पानी मिलेगा लटकती हुई टहनियों में। वहाँ बहुत सारे आम और केले भी हैं, और रहने की जगह बनाने के लिए ताड़ के पत्ते सबसे अच्छे होते हैं। नंबरों की माने तो हम एक कैंप बनाने की सबसे अच्छी जगह पर मौजूद है। मंसूर, मैं यहाँ रुक कर इस मंसूर और उसके उड़ते रोबोट की बकवास बिल्कुल नहीं सुनने वाला। जमाल, जमील, मैंने कहा चलो। जाना चाहता है वो जाए, चलो हम रहने की जगह बनाते हैं। और ऊपर, ठीक है। ठीक है, देर हो गई, नूडल्स खाने में देर हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे नूडल्स भाग रहे हैं। अंदर आओ, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है।
अली सर सुनिए, जादुई छड़ी को पकड़ लीजिए, हम जादुई सफर पर चलेंगे। ओ, एक जादुई छड़ी, क्या बात है। उबेद, कुछ करके दिखाओ। आपको जादू देखना है, पकड़ लीजिए, फिर जादू दिखा दूंगा। चलिए पकड़िए छड़ी को। हाँ, ये कैसा जादू है उबेद? आपकी जान बचाने का। आइए, आ जाइए। ओह, बाल बाल बचे। दांत, क्या बात है, ये रास्ता तो जाना पहचाना है। हाँ? क्या? आपका स्वागत है, ये तो वाकई में हमारे लिए सरप्राइज है। आइए उबेद बाबा। तो उबेद और अली सर गए कहाँ? पता नहीं, शायद काम वापस चले गए। जमाल, उस पत्थर पर चढ़ के जल्दी से अपनी पानी की बोतल भर लो। गाड़ी भिजवाकर मेरे दोस्तों को ले आ सकते हैं प्लीज? वो टापू की दूसरी तरफ है। उबेद कहाँ है? अली सर कहाँ है? तूफान आने वाला है। आप सभी से उबैद बाबा ने अपने रिसोर्ट पर आने की विनती की है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उबैद ने बहुत अच्छा काम किया है। चलो चलकर मंसूर के कैंप चलते हैं। हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। अब मैं क्या करूं? ये क्या है? वैसे अगर देखे तो इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। अब हम क्या करें? हम यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ कौन लाया? कितना अच्छा पूल है, क्या ये मेरे लिए है? अली सर, आप ठीक हो गए? मैं ठीक हूँ, मुझे नया जीवन मिला, जैसे मैंने बड़ा जंग जीता हो। क्या सब यही है? तारिक, जमाल और जमील अब भी वो टापू की दूसरी तरफ है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? नहीं, उन्हें थोड़ी देर वहीं रहने दो।
मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगी और किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। बाद में मिलेंगे। ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। बाद में मिलेंगे। चलो। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच 149,597,870,800 मीटर की दूरी पर क्या 700 मीटर की दूरी थी? हाँ, उतनी ही थी करीब। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? पर आइए मेरे साथ, वही बताऊंगा। यहाँ से समझ में आएगा नहीं, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम। क्यों ना हम इन्हें पहनकर देखें? अच्छा आइडिया है। रेडी? चलो चले। उन्होंने तो कहा था कि हमारे सूट तैयार हो चुके हैं। ये सिमुलेटर कितना असली लग रहा है। हाँ, क्यों ना हम देखें ये और क्या क्या कर सकता है। आवाज़ें कितनी असली है। ये कितना असली लग रहा है। ये तो ग्राउंड कंट्रोल भी सिमुलेट कर रहा है। ये बहुत कूल है। मैं तो अब से यहाँ हर रोज आऊंगा। तुम नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो, घबराना मत। पर तुम बच्चे सच में अंतरिक्ष में जा चुके हो। ये हमारी बात सुन सकता है? हाँ, मैं सुन सकता हूँ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, तुम सब गौर से सुनना, ये एक बहुत जरूरी बात है। ये तो बातें भी कर सकता है। लाजवाब। ये सच में कूल है। बस करो, अब बहुत हुआ। ये एक सिमुलेटर नहीं है। और मैं किसी डिब्बे से आती आवाज नहीं हूँ। तुम तीनों एक असली स्पेस शटल में हो और तुम स्पेस में गुम होने वाले हो। शांत हो जाओ, घबराओ मत। मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। हम तुम्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ले आएंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मेरी एक जरूरी बात सुनो। वो चमकता हुआ लाल बटन दिख रहा है स्पीकर के पास? गलती से भी उसे, आई रिपीट, गलती से भी उसे दबाना मत, समझे? नहीं। वो चले गए, अब हम अकेले स्पेस में फंस गए। रुक जाओ, तुम घबराओ मत, हमें घर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन पर आकर रुके हैं। यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो घर जाने में हमारी मदद करेगा। सावधान, घुस बैठिए। सावधान, घुस बैठिए। घुस बैठियो, तुम अपनी पहचान बताओ। दरअसल हम घुस बैठिए नहीं है, हम ठीक है, बात मत सुनो। पकड़ो उसे। ठीक है, जैसे हम नीचे उतरे। हमारी बात सुनोगे? हम घुसपैठिए नहीं है,
यहाँ कोई है जो हमें पृथ्वी वापस ले जा सकता है? यहाँ मैं अकेला हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पीठ में दर्द है। मैं तुम्हारी स्पेस शटल को रीरूट कर सकता हूँ, बस मुझे याद आ जाए कि वो कैसे करते हैं। पर रोबोट्स तो कुछ नहीं भूलते। हाँ, पर मैं यहाँ लंबे समय से हूँ, मेरी सर्किट्स को बदलने की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, इस पूरे स्टेशन की तरह। पर क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आए ही नहीं सब कुछ ठीक करने के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरी सर्किट्स को भी बदलने की जरूरत है, जरूरत है, इस स्टेशन को भी बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदला तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की तैयारी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-45 मिनटों में। क्या तुम उसे रोक सकते हो? हाँ जरूर, मुझे बस यहाँ एक कोड डालने की जरूरत है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-10 मिनटों में। रुको, अब मुझे याद आया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-5 मिनटों में। शायद ये सही वाला होगा। क्या तुम हमारे स्पेस शटल को रीराउट कर सकते हो? जल्दी। वो तो बहुत आसान है। डिस्ट्रक्ट करेंगे T-3 मिनटों में। इस स्टेशन से निकलने का और कोई रास्ता है? एस्केप पॉड तो है, पर वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-2 मिनटों में। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कोई मैनुअल होनी चाहिए, उसे ढूंढो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-1 मिनट में। किसी को कुछ मिला? बताओ। अगर हम इस हैंडल को खींचेंगे तो ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। हमें स्पेस स्टेशन से जल्दी दूर जाना होगा, समझे? 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। मुसीबत में आने वाले को घर ले आने के लिए शुक्रिया। हमने तो सोचा हम तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठे। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ, अरे मैंने इसे बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ, समझे? और ये बेदर अंतरिक्ष में नया डेटा जमा करने के मिशन पर गया था, पर जब इससे हमारा संपर्क टूटा तो हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये वापस आ गया। इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये क्या जानकारी लाया होगा। हमें अब नई दिशा मिलने वाली है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने क्या किया बच्चों? लंबी कहानी है। चलो भी, मुझे भी बताओ।
घबराइए मत मॉम, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। अंकल, टॉवल्स ले लो बच्चों। मैं क्या कह रही थी बच्चों, क्यों ना तुम सब लोग जंगल में थोड़ा घूम कर आओ। जंगल में? हाँ हाँ, जंगल में। हाँ, यहाँ से दूर चले जाओ। ये आइडिया बहुत बढ़िया है मरियम। ओह हाँ हाँ, वैसे भी मैं यहाँ बोर होने लगा हूँ अंकल। मुझे बोर होना पसंद है। पिछली बार जब हम जंगल में थे तो कुछ ज्यादा ही तूफानी कर लिया था। सही कहा, हमें काफी बड़ा सा बर्ड खाने वाला था। इससे ज्यादा और क्या कहें? कोई नहीं खाएगा, चलो ओबेद। नानो, मेरी मदद करना। बिल्कुल मंसूर। ओए, चलो दोस्तों। बच्चों, रिसोर्ट से ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मी। मेरा फोन वापस दो। ओए नानो, रुको भी। ओ, 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 नानो, बस वह लौटा दो फोन। ठीक है। ओ, 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 शुक्रिया तुर्की, बढ़िया कैच था। ओ, फोन की बैटरी खत्म हो गई। किसे परवाह, अब जो हम यहाँ आ गए हैं तो चलो भी। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वापस रिसोर्ट चले? बिल्कुल नहीं, चलो पहाड़ पर चलते हैं। देखो उस तरफ। क्यों ना हम वहाँ जाकर तैर ले, वो रास्ता समुंदर की तरफ जाता है। ब्रेकफास्ट बूफे, मैं 3 बार नाश्ता कर चुका हूँ, शायद मुझे थोड़ा चल लेना चाहिए। हाँ, और मुझे गर्मी लग रही है, मैं तैरूंगा। ठीक है, फिर अलग अलग जाते हैं और 1 घंटे बाद फिर यही मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं दोस्तों। जल्द मिलते हैं। बाद में मिलेंगे। बड़ी ठंड है। हाँ, पूल इससे बेटर होता है। नहीं। प्यारी बिल्ली। आज फैसला हो जाएगा मंसूर। बनाना 1 और ओबेद 0। ये बहुत मजबूत है। ठीक है, 1 मिनट डंडा दो, आइडिया आया है। एक पतंग, तुम कमाल के हो। छोड़ दो। ओह,
चलो भी, अब मेरी बारी। जाने दो, अब हमें वापस चलना चाहिए। जल्दी जंगल की तरफ चलो। जल्दी जल्दी। लगता है वो पीछे रह गया। वो कहाँ रह गए? तुर्की सालिन। एक सेकंड रुको, हम नानो की मदद से उन्हें ढूंढ सकते हैं। नानो, हमारे दोस्तों को ढूंढो प्लीज। ठीक है मंसूर। शुक्रिया नानो। ये टेक्नोलॉजी भी ना कमाल की होती है। तुम्हें लगता है हम यहाँ ऊपर सुरक्षित रहेंगे? पता नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। कम से कम वो तेंदुआ हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएगा। आज पता चला तेंदुआ कहीं भी चढ़ सकता है। ऐसा क्या? एक सेकंड, तुम्हारे पास फोन है? ओ हाँ, मेरा फोन। सालिम, ये तुमने क्या कर दिया? जानता हूँ, बेहतरीन निशाना था ना। तुम पागल हो क्या? हम उस फोन से मदद मांग सकते थे। ओ हाँ, तुम पर चढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। हम बस गए हैं, अब हम क्या करें? सालिम, तुर्की। नानो। उबेद, देखो। ओह, ये तो तेंदुआ है। वो फंस गए हैं। हमें उनकी जल्दी मदद करनी होगी। मैं डैड को फोन लगाता हूँ। ओह, सिग्नल ही नहीं है। बचाओ हमें, हमारी मदद करो। मंसूर, अब हम क्या करें? चलो वापस पहाड़ी पर। वापस पहाड़ पर? तुम फिर से तलवारबाजी करना चाहते हो? चलो भी, ये खेलने का वक्त थोड़ी ना है। ये तलवारबाजी खेलने के लिए नहीं है। जाओ, जाकर जल्दी बड़े पत्ते लेकर आओ। क्यों? ताकि हम उन्हें उड़ाकर बचा सके। ठीक है। तुम इसे उड़ाने वाले हो? हम दोनों इसे उड़ाने वाले हैं। अरे नहीं। हाँ उबेद, जल्दी चलो। हमारे दोस्तों को मदद चाहिए, जल्दी करो उबेद। जो होगा सो होगा। अरे नहीं, लगते समय आ गया है। तुम्हारी बड़ी याद आएगी मुझे भाई। ऊपर देखो। तुम्हें कूदना होगा। देखो वो रहे साले। वो आ गए। मैं जब कहूँ हमारे पैर पकड़ लेना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर तेंदुआ है। सालिम, तुर्की, उबेद, अपने टांगे ऊपर करो। अरे बाप रे, जल्दी। इतना देर कहाँ लगा? देर से ही सही, हम आ तो गए। हाँ, ये टूटने से पहले हमें उतर जाना चाहिए दोस्तों। वो देखो, वो रिसॉर्ट।
ध्यान से। क्या अब हम बोरिंग सा कुछ करें? ये कुछ ज्यादा ही तूफानी था दोस्तों। हाँ, तुम सब लौट आए, तो क्या किया तुम सब ने? हमने पहाड़ चढ़े, जंगल देखा और जानवर भी देखे। जानवर देखे? बड़ा मजा आया होगा। क्यों ना तुम मुझे भी जंगल घुमा लाओ। अब जो तुम सारा घूमी आए हो, मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। इन्हें क्या हो गया? क्यों ना हम इन्हें बोर होने देते हैं। चौकन्ना रहना दोस्तों। उबैद वहाँ देखो, वो आ गया, वो आ गया। फिर से नहीं, कोई ग्लिच हुआ क्या? हाँ माफ करना, पर सच में बेहतरीन अनुभव था। ओ, बिल्कुल असली लग रहा था। जानता हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैंने सारे ग्लिचेस सुलझा दिए थे। एक बात बताऊँ, ये गेमिंग सिस्टम कुछ ही हफ्तों में रिलीज होने वाला है। एक छोटा सा ग्लिच मेरे महीनों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। बदकिस्मती से मेरे पास इस वक्त टूल्स नहीं है जिनसे मैं चेक कर पाऊँ। शायद मैं मदद कर सकूँ। नानो, क्या तुम इसका कंप्लीट सिस्टम स्कैन कर लोगे प्लीज? ये सिस्टम 6 प्लेयर्स के लिए सेटअप नहीं हुआ है। 6 प्लेयर्स? 4 लोग खेल रहे थे। गेम में 6 प्लेयर्स थे, 2 प्लेयर्स अब भी खेल रहे हैं, मेरा विश्वास करो। मेरा लाजवाब और बेमिसाल गेमिंग प्लेटफॉर्म हैक हो रहा है। जल्दी बताओ वो कहाँ है? लेवल 8 यानी कि जंगल लेवल पर है वो। जंगल लेवल पर? वो लेवल टॉप सीक्रेट है। ये टॉप सीक्रेट है? फिर कौन होगा? जरूर समीर और मुनीर ही इस सब के पीछे हैं। वो दोनों बदमाश, शरारती चोर और हैकर्स हैं। अगर उन्होंने बैकडोर कोड पता लगा लिया तो वो मेरा ये गेम पूरा चुरा लेंगे। उनके आगे बढ़ने से पहले मुझे उन्हें रोकना ही होगा। वो कोड जंगल लेवल में ही है। ऐसी बात है तो तुम जल्दी से जाओ और उन्हें रोक दो। मैं एक बेहतरीन डेवलपर हूँ, पर मैं तुम लोगों की तरह गेमर नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये गेमिंग सिस्टम तो कमाल का है। सही कहा, मजा तब आएगा जब हम इसे अपने ऑनलाइन फोरम पर डालेंगे। हमारी साइट को बहुत सारे हिट्स मिलेंगे। सही कहा। अच्छा हुआ महमूद ने एक सीक्रेट बैकडोर रखा था। वैसे सच कहूँ तो हमारी किस्मत ही खुल गई मुनीर। मुझे यकीन है कि उसने सोचा होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ समीर, अब बस हमें उस तैरते लाल दरवाजे तक जाना है। जानकारी हमारी हो जाएगी। इतना आसान है। हमसे पहले पहुंचोगे तब ना। ये आसान है। ये बढ़िया ही है।
ज्यादा आसान गेम मुझे पसंद ही नहीं आता है। चलो खेलते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। वो हमसे बहुत आगे चले गए। वो बहुत तेज भी है, हम उन्हें वक्त रहते नहीं पकड़ पाएंगे महमूद। मुझे बिल्कुल डर था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने दूसरी गेम्स भी डाउनलोड कर रखी थी। मुझे बस उन्हें इस गेम से मिला देना होगा, इससे उन दोनों की रफ्तार कम हो जाएगी। देखो पूरा दरवाजा। चलो चले। अब हमें क्या करना चाहिए? बचकर निकलने का मोड चालू करो। क्या सच में? चलो ऊपर चले। मुझे उनकी मदद करनी होगी। ये खास गेमिंग डिवाइस है, इस खेल की मूव्स तुम्हारी सोच जितनी ही हो सकती है। तुम्हें अपनी सोच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही तो मैं सबसे अच्छा कर लेता हूँ। दोस्तों तुम्हें क्रिएटिविटी यूज करनी होगी। पर दोस्तों उबेद कहाँ है? अरे वाह, क्या क्रिएटिविटी दिखाई है उबेद। बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि इन्हें गेम से निकालना होगा। मतलब हमें जाकर मॉल के सिक्योरिटी सर्वर्स बंद करने होंगे। सही कहा, तुम मेरे साथ चलो और तुम दोनों पूरी कोशिश करना कि तुम उनसे पहले लाल दरवाजे तक पहुंच जाओ। अगर पहुंच गए तो दरवाजे के पास लगी घंटी को बजा देना। ठीक है दोस्तों, उससे बैकडोर डिलीट होगा और वो सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्या? पर गुड लक दोस्तों। जल्दी चलो। ए, माफ करना, हम जरा जल्दी में हैं। वापस आओ। वो नहीं, उसमें चलो। रुको। हेलो, मैं फरीद बोल रहा हूँ। इस वक्त दो बच्चे बगी चुरा कर यहाँ से भाग रहे हैं। अब जल्दी से यहाँ बैकअप भेजो। कहाँ जा रहे हो? रुको। ओह नहीं। मैंने कहा रुको, रुक जाओ। ये बेहतर है। क्या बात है, हमें और डायनासोर मिल गए। डायनासोर हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ। हाँ, अभी के लिए भागो। जल्दी। देखो बीच में खाई है। देखो मंदिर। हमें बस कूदना होगा। नहीं, तुम्हें बस अपनी सोच में खुद को ये करते देखना है, काम बन जाएगा। बस मेरे पीछे आओ। ओ सालिम। पकड़ो, रुको, रुको। देखो वो वहाँ है। जो होगा सो होगा।
गया इसने। अब हम बाकी गेमर्स को अपना हारा हुआ मुंह कैसे दिखाएंगे? हम भी तो इन्हें ही रोकने आए थे यहाँ। चलो खेल खत्म। अब पता चला कि तुम्हारे गेमिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जल्दी रिलीज हो जाए। इसे टेस्ट करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सिस्टम के रिलीज होते ही सबसे पहली कॉपी तुम ही लोगों को दी जाएगी। मैं एक और नए गेम पर काम कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद आएगा। उसका नाम है दी अल्टीमेट डायनासोर पार्क। ओ नहीं, तुम जो वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने आए हो उसके लिए शुक्रिया बच्चों। जो कुछ मुझे नहीं चाहिए तुम लोग जाकर उसे बेच सकते हो, उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी मदद के बदले इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है दादाजी। बिल्कुल, और वैसे भी ये तो हमारी खुशकिस्मती। पता नहीं था कि यहाँ इतना सामान है। हाँ, दिख रहा है। ला 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 ला। देखो मुझे क्या मिला दादाजी। ओह, तुमने इसे ढूंढ लिया। मैं जानता था ये यही होगा। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या है ये? ये एक कंपास है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। उसने ये मुझे दिया क्योंकि वो जानता था मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बात है, सब कुछ बड़ी जल्दी बिकता जा रहा है। हाँ सच में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ये कबाड़ भी खरीदना चाहेगा। मेरा मतलब, मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं कि दादाजी के सामान इतने जल्दी बिक रहे हैं। उबेद, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और डब्बे ले आओगे प्लीज? Oh!
दोस्तों, मैंने एक भी नहीं गिराया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जाकर वो कंपास ले आओ। अरे ये क्या, दादाजी का कंपास? वो कंपास ऐसे नहीं ले जा सकता है, वो तो तुम्हारे दादाजी का है। सही कहा, हमें उसे लाना ही होगा। दोस्तों चलो जाकर उस पायरेट को पकड़ते हैं। मैं यहीं रुकूंगा और स्टॉल का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, ये कंपास दूसरी चीजों के साथ उस टेबल पर कैसे पहुंच गया? आहा, तो तुम साथ मिलाए। वो गलती से आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि वो वापस आ जाए। हाँ। हाँ? नानो जाओ और उस लुटेरे को ढूंढो। लुटेरा मिल चुका है, इस तरफ जाना है। इस तरफ दादाजी, हमें उनके पीछे जाना है। जल्दी जल्दी जल्दी, इस तरफ। कस के पकड़ लो, हम तेजी से जाएंगे। कंपास लौटा दो। वो आपका नहीं है, आपने चोरी की है। हाँ वो आपका नहीं है। और ये तोता बदबू मारता है। दादाजी वो उस तरफ जा रहा है। पकड़े रहना, हम उसके पीछे जा रहे हैं। तुम्हारी बैटरी बाद में चार्ज कर दूंगा। मेरे ख्याल से मैं यहीं रुककर बोट पर नजर रखूंगा। चलो भी। तुम इस तरफ आओ आबेद। वो कहां गया? वो हमसे नहीं बच पाएगा। वो रहा, उसके पीछे चलो। ऐसा कोई भी नायाब चीज नहीं खरीद सकता है, समझे बच्चे? अंदर आ जाओ। हाँ, ये तुम्हें कहां से मिल गया? ये किसी बच्चे के पास था, उसने कहा ये उसके दादाजी का है। ये बात है, अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना चाहिए। आओ। कंपास मिला या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है, इन सब की कोई गलती नहीं। अरे घबराओ नहीं, चीजें कीमती होती हैं, पर दोस्तों की कीमत उनसे कहीं ज्यादा होती है।
देखो कौन आया है। बच्चों मेरे साथ चलो, इसे सबक सिखाएंगे। अच्छा हुआ तुम लौट आए, ये बदतमीजी क्यों की तुमने? यही चाहिए ना तुम्हें? वापस दो, वो मेरा है। तुम्हारा कंपस? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ये कंपस मुझे उसी ने दिया, उसे लौटाओ वरना। हाँ? तो अब दूसरी बार मेरे दोस्त मैं तुम्हें ये कंपस दे रहा हूं। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। ये कंपस और तुम मेरे दिल के करीब हो। अच्छा, पर दोस्तों ये है कौन? ये वही हसन है जिन्होंने दादाजी को कंपास दिया था। ध्यान दो लल्लू। ऐसी बात है? मुझे मेरा कंपास फिर से मिल गया, लेकिन उससे भी कीमती चीज अभी बिल्कुल मेरे सामने है। और ये सब हुआ तुम्हारी गलती से। ये सुनकर खुशी हुई। मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। हाँ? चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। एक मिनट। अल्लू बनाया। हे, ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्पलीफिकेशन यूनिट। ओह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया बे। बहुत गर्मी है, मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है, मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमा, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा कहाँ? हिमालय जा सकते हो। मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता, यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं, यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे, तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ प्लीज, हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है। और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है, जम गया है सब, इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई। सच कहूं दोस्त तो ये बढ़िया तरीका है गर्म रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी।
मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। सुनो, खुले रास्तों में ही रहना जहाँ तुम दिखाई दो, हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं, नहीं दिखे तो बेहतर है। देखो, इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेद, रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ, काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक नहीं, पेड़। वही पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, वहाँ मैंने जो देखा वो शायद ये थी था। उबेद, तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं, सच में। तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा, फिर एक ही तरीका है पता लगाने का, हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबे, चलकर तुम्हारे ही यति देखकर आते हैं, ठीक है? ओह, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा, फिर बताना ये क्या है। अरे नहीं, देखा, मैंने कहा था ना, इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको, अभी बताता हूँ। पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके, शुक्रिया नानो, अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? मैं चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने, क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है, चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है।
कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी, और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। कट, कमाल का शॉट था, सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ? मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया, और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया, हमें भी मूवी में काम कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है, ऐसे कपड़े पहन कर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए। Thank you.